आपको। हेलो ओ ड्राइवर, ऐसे कौन गाड़ी लगाता है? सुना नहीं क्या मैं क्या कह रहा हूं? गाड़ी में बैठ जल्दी। जज आनंद कुमार के अपहरण से सारे शहर में हलचल मच गई थी। एक जज जिसकी कलम में पीड़ित को न्याय और अपराधी को दंड देने की ताकत होती है, आज इंसाफ का वही निर्णायक खुद एक अपराध का शिकार हुआ था। क्या मकसद था इस अपहरण के पीछे? क्या ये कदम जज आनंद कुमार को कोई अहम फैसला सुनाने से रोकने के लिए उठाया गया था, या फिर जज साहब के किसी फैसले से असंतुष्ट कोई शख्स ने ये हरकत की थी? ये केस सिर्फ एक किडनैपिंग का केस नहीं था, इस अपहरण के पीछे छिपी थी दमन और अन्याय की एक दर्दनाक दास्तान। विकास भैया, ये गलत है। पापा की जायदाद में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। कौन से हक की बात कर रही है तू? तो? उस शराबी शुभजी से शादी करके ना तूने अपने सारे हक गवा दिए, पूरे खानदान की नाक कटवा दी तूने। अब तू हक की बात कर रही है? तू जा अपने उस शराबी पति के पास। अरे शुभजी से मेरा तलाक होने वाला है, अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। और इस घर से भी नहीं है। अदिति, रिश्ते है ना कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाते हैं ना तो फिर से जुड़ते नहीं है। वाह भैया, आपकी ये चाल ना मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। खानदान की दुहाई देकर आप ये पूरी जायदाद खुद अकेले हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये देखिए, पापा की असली वसीयत की कॉपी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पापा की जायदाद हम दोनों में इक्वली बटेगी। देखिए, पढ़ लीजिए नीचे। मैं नहीं मानता तेरी इस को। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है भैया, कोर्ट जरूर मानेगी और तब हम देखेंगे। हेलो, हाँ मैं करण की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आपसे इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने कहा था कि मैं करण को लेने आ रही हूँ तो आपने उसे किसी और के साथ कैसे भेज दिया? अदिति जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? करण अपने फादर के साथ ही तो गया है। मैं करण का फादर हूँ, अदिति अभी बिजी है इसलिए उसने मुझे भेजा है। पर सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हमारे स्कूल की? देखिए करण भी आ गया। कैसे हो करण बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? उसने कहा कि वो उसका फादर है और आप मान गए? हाँ। पर अदिति जी, करण उन्हें देख करके बहुत खुश था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। हम सॉरी अदिति जी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप और आपके हस्बैंड डाइवोर्स ले रहे हैं। आप सॉरी कहना बंद कीजिए और प्लीज प्लीज मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। एक एक मिनट, ये देखिए देखिए। हेलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगली बार रोलर कोस्टर पे भी घूमेंगे। हाँ। लो भैया चल। हाँ, और आइसक्रीम इस बार दो खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ। ठीक है। करण, करण ने बहुत एंजॉय किया मेरे साथ, है ना करण? हाँ। करण एक काम करो, तुम जाओ मैं आती हूँ। थैंक यू मोहित अंकल। ठीक है बेटा, अगर अगली बार मेरे बेटे के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो पता है। What? तुम पागल हो गए हो, साइको हो गए हो। साइको मत बोलना, समझी? ओके सॉरी अदिति, मैं तुम्हें और करण दोनों को अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। मैं कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझे तंग करना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ प्लीज अदिति, सब लोगों ने मुझे ठुकराया है प्लीज, अब तुम मुझे मत ठुकराओ। बंद करो अपनी फिल्मी डालो। मुझे अफसोस होता कि मैंने तुमसे दोस्ती भी क्यों की थी। नहीं अदिति, अदिति राम राम साहब, गुलाटी साहब। राम 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 राम। तो ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे हुलिया छोड़िए, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आपके वास्ते। खबर? हाँ, 20 करोड़ का ड्रग्स उतर रहा है आपके जजबेर में, और सुनने में आया है कि आपने कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं इसमें। हुकुम, माल कब और कहाँ उतरने वाला है इसकी पूरी डिटेल मुझे पता करके बताओ। काम हो गया क्या साहब? वकील साहब,
बचपन से ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। घर का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी सारा लाड प्यार सब कुछ अदिति को ही मिला। अदिति के घर से भागकर जाने के बाद मुझे लगा था कि पापा सब कुछ मुझे सौंप देंगे, लेकिन विकास अदिति की विल फ्रॉड नहीं है और मेरी सलाह तो यही है कि तुम अपनी बहन के साथ समझौता कर लो। आज तक वही हुआ है जो उसने चाहा, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नारकोटिक्स और अजमेर पुलिस द्वारा हुए जॉइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ के ड्रग्स का जत्था जब्त किया गया। बेवर रोड अजमेर के गोडाउन पर छापा मारने पर ये 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस निगरानी में ये सारा ड्रग्स अब जला दिया जाएगा। हाँ बबलू, तूने तो बोला था 20 करोड़ का माल था, यहाँ तो सिर्फ 1 करोड़ पकड़ा गया। अरे गुलाटी साहब, माल तो 20 करोड़ का ही था, बीच में किसी ने खेल खेला। अगर पूरा माल मिला होता तो आपका प्रमोशन पक्का था, पर आपसे जलने वाले ऑफिसर 19 करोड़ का माल भी डकार गए और आपका श्रेय भी छीन ले गए। ए सुन, साफ साफ बोल, किसकी तरफ इशारा है तेरा? समझदार के लिए इशारा ही काफी है, वो आदमी आपके ही डिपार्टमेंट का है। पर्स में कुछ भी नहीं है सर, कपड़े फटे हुए, लेकिन जीन्स बिल्कुल वैसी की वैसी है सर। क्या पाना मुश्किल है कि रेप हुआ या नहीं? सर एक मिनट, ये देखिए यहाँ टायर के मार्क्स हैं, लेकिन इसके आगे नहीं है, मतलब गाड़ी यहाँ तक आई है और उसके बाद में उसको रिवर्स में ले जाया गया। हो सकता है सर वो लड़की भी इसी गाड़ी में, उसने भागने की कोशिश की होगी, वहां उसको पकड़ा होगा और वहीं कहीं मार दिया होगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रेप नहीं हुआ था और लड़की की बॉडी पे जख्म के जो निशान मिले हैं वो भी उसको मारने के बाद बनाए गए थे। मतलब हम गुमराह करने के लिए? जी हाँ सर, लड़की को पॉइंट ब्लैंक रेंज से 9 mm की बुलेट से शूट किया गया था और उसकी मौत लाश मिलने के तकरीबन 40-45 घंटे पहले हो चुकी थी। हमें बॉडी मिली 13 जून को, तो मतलब कत्ल हुआ 11 जून को। शिनाख्त का क्लू? जी नहीं सर, लड़की से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली अभी तक। जितने भी लोकल न्यूज़पेपर है सब में ऐड दो, शायद कोई शिनाख्त के लिए आ गया। राइट सर। नारंग, डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी जिसने उल्टी की है? अरे छोड़ ना गुलाटी, देख 1 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया ना, भूल जा, मैं जो कह रहा हूँ उस केस पे ध्यान दे। देख गुलाटी, तुझे तजुर्बा है, तू 2 साल अंडरकवर रहा है और तेरा खबरी नेटवर्क भी अच्छा। बोल क्या करना है? एक ऑफिसर का मर्डर हुआ था, 1 महीने हो गए, ना ही कोई सस्पेक्ट मिल रहा है ना ही कोई एविडेंस, समझ में नहीं आ रहा है इस केस को सॉल्व करें तो करें कैसे। अदिति सिंह, अरिशोर ये वही औरत है? हाँ सर, ये अदिति नहीं है, इनका बेटा करण हमारे ही स्कूल में पढ़ता है सर। अच्छा आपके पास एड्रेस होगा? जी सर जी, ये तो मेरी फ्रेंड अदिति है सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अदिति नौमा। आपने अदिति को आखिरी बार कब देखा था? सर लास्ट पिक आई मीन 4 दिन पहले। अदिति तुम नाश्ता किया? अरे यार वो मैं ऑफिस में कर लूंगी, शाम को मिलते हैं, बाय, लेट हो रहा है, बाय बाय। तो 4 दिन से अदिति यहाँ नहीं आई, का फोन बंद है, आपको फिक्र नहीं हुई? सर अदिति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाती थी, मुझे लगा कि कुछ दिन में वापस आ जाएगी। अच्छा अदिति इसी शहर में रहती है, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में क्यों रखा हुआ था? सर अदिति बहुत बिजी रहती थी और बिजनेस टूर्स के लिए बाहर भी जाती थी, इसलिए वो करण को टाइम नहीं दे पाती थी। उनका हस्बैंड? सर अदिति के हस्बैंड सुभाजीत सर बहुत ही वायलेंट इंसान है और अदिति ने डिवोर्स फाइल भी किया था और उससे छुटकारा पाने के लिए अदिति यहाँ पर आई थी, लेकिन सर अदिति का पीछा करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया था।
करण मेरे साथ जाएगा, समझी? ताकि वो तुम्हारी तरह बेशरम और अय्याश बन जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक मैं अपने करण को तुम्हारे आसपास बचने तक नहीं दूंगी। मुझे मेरे बेटे से दूर करेगी, जान से मार दूंगा तुझे। अदिति, अदिति, छोड़ो, 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 छोड़ो अदिति को। क्या अदिति ने कभी आपसे ऐसा कुछ कहा था कि उसकी जान को खतरा है? सर अगर ऐसा कुछ होता ना तो अदिति मुझे जरूर बताती। सर अदिति बहुत अच्छी मदर थी। सर अदिति डबल शिफ्ट करती थी ताकि करण को ना किसी चीज की कमी ना हो। अदिति काम कहाँ करती थी? सर एनपी के मार्केटिंग फर्म। अदिति जहाँ काम करती थी वहाँ सबसे बात कर। सर अदिति के कॉल डिटेल्स आ गए हैं। सर उसका फोन 11 जून को स्विच ऑफ हुआ था। उस दिन उसने 3 कॉल्स किए थे। पहला कॉल हॉस्टल इंचार्ज रितेश को और दूसरा कॉल अपने भाई विकास को। लॉयस विकास को। तीसरा कॉल किसे किया था? मोहित नाम है उसका सर। पर अभी उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस मोहित की डिटेल निकलो। और अदिति के पति शुभाजी से बात हुई? नहीं सर, पता चला है कि वो घर पे नहीं है। वो अपने किसी काम के सिलसिले से मुंबई गया हुआ। नजर बनाए रख, जैसे ही आता है उससे बात कर। सालों से रगड़वा रहा हूँ यार, सालों से ना तरक्की मिली ना ढंग की कोई पोस्टिंग। 2 साल से ड्रग माफिया के पीछे लगा था, वो केस भी गया। मुझे ना बहुत बुरा लगता है आपके बारे में सोच के। सालों से देख रहा हूँ आप कितने केस सॉल्व किए हैं आप, लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मुझे लगता है अगर आप ये मर्डर केस सॉल्व कर लोगे ना, पूरा डिपार्टमेंट सलाम ठोकेगा आपको देखना। अरे डिपार्टमेंट में ये कोई गद्दार जो जलता है मुझसे, छोड़ ये सब बातें, तू ले। ठीक है सर। अरे एक एक एक। अरे सर प्लीज, बस बहुत हो गया। मैं घर पे इंतज़ार कर रहे हूँ और आप भी छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत पी ली आपने, मैं चलता हूँ सर। प्लीज़ मुझे पीने दे यार। ठीक है सर, कल मिलते हैं सर। एकर। अरे साहब कहीं छोड़ दूं क्या आपको? अरे कौन है भाई? हाँ मुझे जानते हो क्या? अरे दरोगा साहब आपको कौन नहीं जानता, बोलो तो घर छोड़ देता हूँ। हाँ भाई पहुँचा दे। चल मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के अपनी बीवी के पास। चल भाई पहुंचा दे मुझे मेरी बीवी के पास। सर अदिति और मैं, हम दोनों भाई बहनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था सर। आपकी बहन अदिति ने आपके खिलाफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फ्रॉड, यहाँ तक के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज भी लगाए थे, ये सब नॉर्मल है आपके लिए? सर वो तो अदिति ने अपने पति शुभजीत के कहने पर सब कुछ किया। हाँ सर मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन थी, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं था सर। मिस्टर विकास, जब आपसी रिश्ते सुन पड़ जाते हैं तो अदालतों में सुनवाई होती है, पर वैसे भी अदिति के जाने से सबसे बड़ा फायदा तो आपका ही हुआ। सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी है, कोई बंटवारा नहीं होगा आपको। सर विल के अकॉर्डिंगली अगर अदिति को कुछ भी होता है तो उसकी जायदाद का हिस्सा उसके बेटे करण को मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा सर? फायदा तो आपका हुआ, करण तो भी बच्चा है, वो कब बालिग होगा कब अपना हिस्सा मांगेगा, लेकिन तब तक मालिक सिर्फ आप हैं। सर मेरी जिंदगी का यही अफसोस है, हर कोई मुझे गलत समझता है। और सर जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो आपसे तो क्या उम्मीद करूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर कि अगली बार सबूतों के बिना पर मुझ पर शक कीजिए। एक बार सबूत हाथ में आ गए तो अगली बार की नौबत नहीं आएगी, आपको यहीं बिठा लेंगे, अभी आप जा सकते हैं। क्या गुलाटी कल से घर नहीं आए? भाभी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, पर हाँ कुछ दिनों से वो काफी गुमसुम से रहते थे, कोई बात शायद उन्हें खाए जा रही थी, लेकिन कुछ बताते भी तो नहीं थे। सर कल रात तो गुलाटी सर मेरे साथ थे, हम लोग रात को 11:30 बजे तक चंदा बार में थे, उसके बाद मैं घर चला गया लेकिन गुलाटी साहब वहीं थे, बहुत पी रहे थे, मैंने रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहे थे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए,
हम गुलाटी को ढूंढ के घर लेकर के आते हैं। आप घर जाइए, इन्हें गाड़ी तक छोड़ के आओ। वर्मा, आप मेरी मम्मी के साथ काम करते हैं? हाँ, हम आपकी मम्मी के साथ काम करते हैं। वो हमारी कलीग है। वो जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गई हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन वो आ जाएंगी जल्दी वापस। लेकिन मैंने जब उनको फोन किया था तो उनका फोन बंद आ रहा था। हाँ, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम ना वहाँ पे, इसलिए तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि आप जाइए और करण को बताइए कि मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मी ने बताया था ना आपको कि वो कहाँ जाने वाली हैं? अंकल, मेरी मम्मी ठीक है ना? है बेटा? मम्मी ठीक है ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मी ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मी ने कहा था कि वो संडे को मुझसे मिलने आएंगी, तो वो आई क्यों नहीं? वो मैंने बताया ना, वहाँ जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो जल्दी आएंगे आपसे मिलने। उन्होंने हमें कहा कि करण को बताइए, करण फिक्र ना करे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी से बात करनी है, मुझे मम्मी से बात करनी है। नहीं नहीं, मुझे मम्मी से बात करनी है, कराओ ना। सर, कुछ दिन पहले एक आदमी करण को अपने साथ ले गया था स्कूल से, ये कहकर कि वो उसका बेटा है। करण के फादर को शुभजीत? नहीं सर, मोहित। मोहित? जी हाँ सर, मोहित। लेकिन बाद में पता चला कि वो करण का फादर नहीं है, बल्कि हमें तो अदिति जी ने भी बाद में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आज के बाद में करण के आसपास में मोहित आना भी नहीं चाहिए। तो फिर आपने एक अनजान आदमी के साथ अपने स्कूल के बच्चे को कैसे भेज दिया? सर, वो करण मोहित को देख के काफ़ी एक्साइटेड था, तो हमें लगा। तो मोहित है कौन? आई मीन, दिखता कैसे? सर, वो उस दिन की CCTV फुटेज है हमारे पास में। सर ये देखिए, ये है मोहित। अदिति स्कूल के अंदर जाने के बाद तो बाहर कितने बजे आए? टाइम का तो कुछ आइडिया नहीं, पर चेक कर लेते हैं। पास पास पास, ये कैब ड्राइवर पर जरा ज़ूम करिए। ड्राइवर का चेहरा तो साफ नज़र नहीं आ रहा, पर कैब का नंबर दिख रहा है। कैब की डिटेल निकलो। कैब ड्राइवर से शायद ये पता चल सकता है कि उसने अदिति को कहाँ ड्रॉप किया था। ओके सर, स्नैपशॉट। जी सर, मैं करता हूँ। कसम दाल बाटी के साथ, गुलाटी साहब से 3 दिन से बात नहीं हुई मारी। आखिरी बार किस काम के लिए बुलाया था उन्होंने? सब वो नारायण साहब ने ऑफिसर का जो केस दिया था गुलाटी साहब को, तो उसके बारे में पता करने को ही पूछ रहे। देख, बाकी सारे काम छोड़, सबसे पहले ये पता लगा गुलाटी साहब है कहाँ। सब वो एक बात है जो। क्या बात? सब गुलाटी साहब को लगा था कि वो जो ड्रग वाले केस में कोई पुलिस वाला शामिल था, शायद इसी वजह से। देख, बाकी सारे केस हम देख लेंगे, समझा ना? तुझे जो काम का है वो कर। चलता हूँ। जयराम जी, हेलो। आइए सर, इधर हटो, आप लोग हटो, साइड दो। ये देखिए सर, गुलाटी सर। सर, पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया। एक ही गाड़ी के आने और जाने के टायर मार्क्स हैं, मतलब जिसने भी गुलाटी को मारा है वो यहाँ गाड़ी से आया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। सर, गीता भाभी को गुलाटी सर के बारे में कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा, लेकिन जिसने भी गुलाटी को मारा है उसे छोड़ेंगे। सब इंस्पेक्टर गुलाटी की मौत से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में एक आक्रोश पैदा हुआ था। किसी कानून के रखवाले पर हमला होना, उनका अपहरण या हत्या होना, ये बात मामूली नहीं है। अपराधियों का ऐसा दुस्साहस ये दर्शाता है कि अपराधियों में कानून व्यवस्था का बिल्कुल खौफ नहीं रहा।
एक सुरक्षित समाज के लिए ऐसी घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। जहां कानून के नुमाइंदे सलामत ना हो, उस सोसाइटी में एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर गुलाटी की हत्या की तहकीकात में पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी। वहीं दूसरी ओर आदिति की हत्या की छानबीन भी चल रही थी। सर, क्या मैं? सर, ये अदिति का पति सुबोजी था, अब भी वापस नहीं लौटा। अब उसका कहना है कि वो कोलकाता में। और मोहित? उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। अजीब बात है, ये मोहित और सुबोजी दोनों आसपास ही रहते हैं और दोनों सेम डे से गायब। दोनों सेम डे से गायब? पता करो, क्या दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों की कोई मिली भागा था? यस सर। सर, ये वो चार केसेस है जिन पर गुलाटी सर ने काम किया। ये तो राणा है ना, जिसका एनकाउंटर गुलाटी ने किया था? जी सर। और इसके छोटे भाई ने सर को धमकी भी दी थी कि इसकी मौत का बदला जरूर लेगा। अपने आप को जूनियर राणा बताता है वो। पता करो जूनियर राणा का। साफ सफाई कर रही है, गंदगी मचा रखी है। देख, बराबर से साफ करा, वरना यही गंदगी तेरे मुंह पे रगड़ दूंगी। वाह, उठा के दे मुझे, जल्दी कर। अरे उमा बेटा। हाँ पापा। अरे देखो, तुम्हारे बारे में अखबार में खबर छपी है और साथ में देखो ये फोटो भी। गरीबों के हक के लिए लड़ने वाली युवा वकील उमा ठाकुर। क्या बात पापा, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बिल्डर सेना के खिलाफ जो केस लड़ रही हूँ ना मैं, देखना उसमें तो बहुत हंगामा होने वाला। सारे गरीबों की जमीन हड़प के बैठा है। वाह बेटा, बैठो। है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी। बेटा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मेरे लिए। ये लड़का ढूंढने की टेंशन आप मत लो, लड़का मैं देख लूंगी। अभी मुझे बस काम करना है। जिन लोगों की आवाज दबाई गई है ना, उनकी आवाज बन रहा है। ओ, क्या सोच रही है तू? लेट लतीफ, दे मुझे, दे ना जल्दी, साफ कर बराबर से। सर, गाड़ी का नंबर तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सर देखिए कांच के ऊपर कुछ पैटर्न बना हुआ है। इस गाड़ी का पता लगाओ। और हाँ, जूनियर राणा कुछ पता चला? नहीं सर, लगता है कहीं अंडरग्राउंड हो गए। मैंने बबलू को बोला उसका पता करने के लिए। हेलो सर, ये अदिति जिस फॉर्म में काम करती थी वहां से पता चला है कि प्रतीक नाम का एक कैब ड्राइवर है जो अदिति को रोज ड्रॉप करता था। ये प्रतीक है सर, और सीसीटीवी में जो कार कैप्चर हुई है वो प्रतीक की है। ये प्रतीक इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है, इसे कॉन्टेक्ट मत करो, इसे सीधा चल कर उठा दो। सर फोन करो सर। The number you have called is currently switched off. Please try again later. फोन स्विच ऑफ है उसका? ताला तोड़ो। क्या करो सर, क्या करो? हेलो सर, जैसे ही हमें पता चला कि जिस कार की तलाश हम कर रहे हैं उसी कार की तलाश आपको है, तो मैंने फौरन आपको कांटेक्ट किया। दोनों ही मर्डर्स में एक कार का इस्तेमाल होना मैं इत्तेफाक नहीं हो सकता। करेक्ट सर। सर, मुझे लगता है दोनों केस के लिंक एक ही है, और अगर ये लिंक हमें मिल जाती है तो ये दोनों केस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। उसी लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब फुटेज लाए। यस सर।
सेम कार है, प्रतीक नाम है इसका, और इसकी तलाश जारी है। इसकी फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया सर, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि कैब ड्राइवर एक पुलिस वाले का मर्डर क्यों करेगा। हमें ये भी पता लगाना होगा कि सब इंस्पेक्टर गुलाटी और अदिति का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। काम नहीं करेगी? हाँ बोल, काम करेगी कि मार खाएगी? बोल। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग तो मैं भी ठिकाने लगाता हूँ माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। मार मुझे नाटक कर रही है तू? जैसी सिरफिरी को मैं इस घर में नहीं रखूंगा। चल मेरे साथ, तुझे बाहर फेंक के आता हूं। चल। निकल तू ना, ये मंगलसूत्र पहनने लायक नहीं है। चल इधर। चल। माँ बेटा, मैं चलता हूँ, है फिर पहुंच के तेरे को फोन करता हूँ। ठीक है, बाय पापा। बाय बेटा। अरे मुरारी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और बड़े उतावले हो रहे हो, पापा के निकलते ही। हाँ नहीं तो और क्या करूं, एक तो तुमने मेरी लाइफ पूरी फिल्मी बना दिया। यार इतने टाइम से हम लोग लिविंग रिलेशन में हैं, बट जब भी तुम्हारे पापा आते हैं मुझे 9-11 नौ पड़ता है। अरे ये तो देखो सिचुएशन कितनी रोमांटिक है, पापा तो वैसे भी 2-3 दिन के लिए आते हैं महीने में। ऑब्जेक्शन वकील साहिबा, 3 दिन मतलब 72 आवर्स, इतना टाइम आपका ये आशिक आपसे दूर नहीं रह सकता। अच्छा तो एक काम करो, पापा से बात करो और उनको बोलो कि हमें उम्र कैद की सजा दे दो। शादी करनी है ना मुझसे? सर अदिति और गुलाटी के सभी रिलेटिव्स और सभी फ्रेंड्स के साथ इंक्वायरी की है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं मिला है। अदिति? जी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे और ना ही कभी इनके मुंह से इसका नाम सुना। लेकिन प्रतीक और अदिति का लिंक मिला है। प्रतीक के घर से जो लेटर्स और कार्ड्स मिले थे उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रतीक अदिति को चाहता था। तो मुमकिन है कि अदिति ने प्रतीक का प्रपोजल ठुकराया, इसलिए प्रतीक ने अदिति को मार दिया। अगर हम इस थ्योरी को मान भी लें तो फिर गुलाटी, प्रतीक ने गुलाटी को क्यों मारा? एक कैब ड्राइवर पुलिस वाले को क्यों मारेगा? हो सकता है सर प्रतीक को सुपारी मिली, क्योंकि जिस तरह से सुनसान जगह पर ले जाकर शूट किया गया है, ये काम तो किसी प्रोफेशनल का लग रहा है। सब इंस्पेक्टर नारंग से कांटेक्ट करो और पता करो क्या गुलाटी का सामना किसी ऐसे ग्रोह से हुआ था जिसका ताल्लुक कांटेक्ट किलिंग से, और प्रतीक के रिकॉर्ड भी चेक करो। जी हाँ सर, और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मांगते हैं, अगर उस गन को पहले से कोई गैंग इस्तेमाल कर रहा होगा तो उस गैंग का भी पता चलेगा। ठीक। उमा, अरे भरोसा किया था तुझ पर, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे मेरे को। अरे इस दूसरे जात वाले लड़के के साथ तू रंगेले बना रही यहाँ पे। उड़ा इसको। मेरे पास। चुप कर कमीने। ले जा इसको। पापा। मेरे पास। पापा।
लुकिंग गो। नारंग से बात हुई सर। नारंग ने गुलाटी को एक केस सौंपा था। एक महीने पहले सोनल का नाम के एक रिटायर्ड ग्रेड वन ऑफिसर का मर्डर हुआ था। सोनालिका जी। हाँ जी। और सरप्राइजिंग बात यह है सर कि सोनालिका जी पर जिस गन से फायर हुआ था उसी गन से अदिति और गुलाटी को मारा गया। तो क्या सब इंस्पेक्टर गुलाटी और सोनालिका जी एक दूसरे को जानते थे? मे बी सर, बिकॉज 2008 में जब गुलाटी की अजमेर में पोस्टिंग हुई थी उस वक्त सोनालिका जी अजमेर में SDM थे। तार जुड़ तो रहे। मैं ऐसे पुराने केसेस देख रहा हूँ सर जिसमें सोनालिका जी और गुलाटी दोनों इन्वॉल्व हैं। स्पीड अप, पिछले एक महीने में 3 कत्ल हो चुके हैं और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं, इसलिए जो भी करना जल्दी करो। जी सर। हेलो ओ ड्राइवर, ऐसे कौन गाड़ी लगाता है? गाड़ी में बैठ जल्दी। हाँ साहब, यही कार, लेकिन इस कार वाले की शक्ल नहीं देखी। बंदूक की नोक पे जज साहब को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगा कर ले गया। गाड़ी किस तरफ गई थी? इस तरफ गई सर। कितनी देर पहले की बात? आधा घंटा पहले। थैंक यू रंजीत सर। वो भी ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, शहर में जितने भी टोल नाका सब जगह नाकाबंदी करो, प्रत्येक शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्विक। ओके सर। सर, घर के बाहर ये जो CCTV है इसकी फुटेज मिली, इसमें एक कार कैप्चर हुई, ये देखिए सर। पॉज पॉज, रिवाइंड करो। Lovely. Boss, zoom करो थोड़ा। तो प्रतीक नहीं, फिर ये कौन? इस तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करो, जल्द से जल्द पता लगाओ ये कौन। Quick, sir. करण, 2 दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो कुछ खाना खा लो। मैंने मैच में तुम्हारे लिए खाना लगवाया। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मम्मा नहीं आ जाती। इतने दिन हो गए उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। बेटा, तुम्हारी मम्मा अब कभी वापस नहीं आएगी, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। नहीं, हेलो हेलो कंट्रोल रूम, आपने जिस गाड़ी की फोटो भेजी थी वो अभी अभी तिलक नगर में स्पॉट हुई है। सर, गाड़ी तिलक नगर की तरफ स्पॉट हुई है। गाड़ी उधर लो फास्ट। सर तो आ जाए नहीं, वैसे उनका एड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? सर, सब इंस्पेक्टर गुलाटी मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे और हमारे स्कूल की 50th एनिवर्सरी होने वाली है, तो उसमें हमारा स्कूल चाहता है उन स्टूडेंट्स का सम्मान करना जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया, इसलिए सर। क्या तुम इसको गुलाटी को पता देते था? गलती हो गई सर, मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। खान सर को ये बात बतानी पड़ेगी। हेलो, 2008 के इस तरह के जितने भी केसेस हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर गुलाटी और उस वक्त की SDM सोनालिका जी इन्वॉल्व थी, उन सब केसेस की मुझे डिटेल चाहिए। ये डिटेल आप मुझे जितनी जल्दी भेज सकेंगे उतना अच्छा होगा। सर,
उठ उठ। देखो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? चुप। ज्यादा नाटक किया ना तो खुद तो मैं मरूंगा, तुझे भी मार दूंगा। उतर उतर जल्दी उतर। चल अंदर। हाय। हेलो सर। हेलो सर। माय कीज। एक मिनट सर। क्या कुछ चाहिए अंकल आपको? सर आपकी कीज। थैंक यू। चल अंकल आइए। गाड़ी गई सर, आसपास शॉप से पता किया लेकिन उस गाड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हेलो। हाँ क्या होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन? ठीक है ओके सर, उस आदमी ने जज आनंद कुमार जी को होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन में होस्टेज बनाकर रखा। चल अंदर चल अंदर। सर यही वो आदमी है। ये इस वक्त होटल में ही? जी सर। रूम नंबर? सर रूम नंबर 101 में। 101 मीन फर्स्ट फ्लोर? जी सर। टोटल कितने रूम है वहाँ पे? सर 12। एंड टोटल गेस्ट? सर लगभग यही 13-14 गेस्ट सर। ऑलराइट संकेत, पूरा फर्स्ट फ्लोर इवैक्यूएट करो एंड मेक श्योर नो क्योस। सर संजीव एक बात मेरी समझ से बाहर, अगर ये आदमी चाहता तो बाकी लोगों की तरह जज अनंत को मार सकता था, पर इसने मारा नहीं बल्कि एक रूम में बंदी बनाकर रखा हुआ। इस तरह होस्टेज बनाकर रखने का इसका मकसद क्या हो सकता? तुमसे बात कर रहा हूँ। चुप चुप। सर राइट वाला 101 और लेफ्ट वाला 102। 101 102। जी सर। और ये जो बीच में वॉल है ये कॉमन है करेक्ट? जी सर। तो 102 से अगर एंटर करें तो 101 में जा सकते? जी सर। 102 की चाबी लाइए क्विक। दो मिनट सर। मिश्रा जी सर ध्यान रहे अपना कोई भी आदमी जख्मी नहीं होना चाहिए, सबकी पोजीशनिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। सर इस बंदी की आईडी वेरीफाई की मैंने, पता चला है कि इस बंदे का नाम मुरली मीना है। आईडी एकदम सही है सर, और ये हाईकोर्ट में एडवोकेट है। एडवोकेट हाईकोर्ट? चौंकाने वाली बात यह है एक हाईकोर्ट का एडवोकेट इस तरह से मर्डर्स क्यों करेगा? ये कहानी को समझ में नहीं आ रही है। ये कहानी जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी सीधी है नहीं, कहानी हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी जज की जान बचाना, लेट्स सेव हिम फर्स्ट। फ्लोर वैकेट हुआ? यस सर। फॉर इट फास्ट, टाइम नहीं है। ओके सर। एडवोकेट मुरली मीना। कौन? रूम सर्विस। मैं जानता हूं तेरे साथ पुलिस है। इंस्पेक्टर साहब अगर आप यहीं हो तो आपको बता दूं ये पैतरे बहुत पुराने हो चुके हैं, अगर बात करनी है तो खुल के आओ। तुम दरवाजा खोल के सामने आओ, जान बच जाएगी तुम्हारी। जान की परवाह नहीं है मुझे, और अगर आपको मेरे बारे में पता होता ना तो शायद आप मुझे ये धमकी नहीं देते। जानता हूं मैं, मुरली मीना नाम है तुम्हारा, लॉयर मुरली मीना। जज साहब को इस तरह बंदी बना के क्यों रखा हुआ है और इतने लोगों को क्यों मारा तुमने? सबसे दुश्मनी थी मेरी, प्लान बना रहा था कब से इन सबको खत्म करने का। पहले मैंने सोनालिका को मारा, उसके बाद अदिति को ढूंढा। अदिति हर रोज एक ही कैब से ऑफिस से आया जाया करती थी, मैंने भी उस दिन वही कैब बुक की। और फिर बस भैया रोक देना।
हाँ, उस कमीने इंस्पेक्टर गुलाटी को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, पर आखिरकार मैंने उसे भी ढूंढ लिया। अरे साहब, कहीं छोड़ दूं क्या आपको? मुझे जानते हो क्या? सर, चाबी आ गई। देखो, तुम खुद एक लॉयर हो, तुम जानते हो, कानून के जानकार हो। इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और ये तो जज है, इन्हें बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? छोड़ दो इन्हें, जाने दो। अरे इन्हें कैसे जाने दूं? एक सजा इन्होंने दी थी मुझे, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब एक सजा मैं दूंगा। सर, गोली मुरली को सिर्फ छूके चली गई, वो होश में आ गया है, डिस्चार्ज होते ही बयान देने की हालत में होगा। गुड, हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी पूरी करो, मुझे उससे बात करनी है। सर, सर, कमें कमें। सर, होटल रूम से मुरली का फोन मिला था। उस फोन को जब चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला जो मुरली ने शूट किया था। उस वीडियो को शायद वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहता था पर कर नहीं पाया। वो वीडियो कहाँ? ये है सर। आज मैं शायद जिंदा ना बचूं, मारा जाऊं, लेकिन मरने से डर नहीं लगता मुझे। डर इस बात का है कि शायद मुझे मेरी कहानी सुनाने का मौका ना मिले, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे मरने के बाद चाहे पुलिस वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच कुछ और है। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत प्यार करता था मैं उमा से, लेकिन जिस देश में इंसान की काबिलियत से ज्यादा उसकी कास्ट देखी जाती हो ना, वहां एक जाति की लड़की अगर दूसरे जाति के लड़के से प्यार करे तो उसके घर वालों को कैसे बर्दाश्त हो। बहुत मारा उसके पापा ने मुझे, और मरा हुआ सोच के सड़क किनारे फेंक दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। और एक महीने बाद मैं और उमा दोबारा भाग, हमें ना पकड़ पाने का गुस्सा उसके घर वालों ने मेरे घर वालों से निकाला, और वो भी कानून की मदद लेकर। उस वक्त उमा की बुआ सोनाली का जी अजमेर की सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट थी, उन्होंने सारा प्लान रचा। उमा के पिता ने मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ उमा की किडनैपिंग का झूठा केस लगवाया, वो इंस्पेक्टर गुलाटी भी इसमें शामिल था। मेरे पिताजी को जेल में डाल के उसने मेरे पापा को बहुत मारा, कुछ दिनों के लिए छोड़ा जरूर, और सिर्फ जलील करने के लिए। चल चाट साले, तुम लोगों की यही औकात है हमारी जूते के नीचे रहने की। चाट नहीं तो साले को। उमा को मुझसे छीन लिया गया, उसकी शादी किसी और घर में करवा दी। कई महीनों तक मैं इस गम से उबर नहीं पाया, पर धीरे धीरे खुद को संभाला, शहर छोड़ दिया, वकालत की पढ़ाई की, कानून पे भरोसा जो था, अपने पापा के सारे केसेस लड़े और जीते, पापा को बेकसूर साबित करवाया। लेकिन हमारा कानून तो कछुए की चाल चलता है ना। 9 साल लग गए मुझे मेरे पापा को जेल से रिहा करवाने। जेल से रिहा करने के कुछ महीनों बाद ही पापा चल बसे, जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। फिर अचानक मुझे एक दिन उमा दिखी, खाओगे? उमा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसीलिए मैंने ठान लिया कि जिन जिन लोगों ने हमें सताया मैं सबसे बदला लूंगा। गुलाटी और सोनालिका को तूने बदला लेने के लिए मारा, लेकिन अदिति, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, उसे क्यों मारा? दगाबाज थी वो। उमा और अदिति बहुत अच्छे दोस्त थे, भरोसा था उमा को उस पर। उमा के पिता को हमारा पता उसी ने बताया था, उसी की वजह से हम दोनों अलग हुए। तुम चाहते तो बाकी लोगों की तरह जज अनंत को भी मार सकते, पर तुमने उन्हें मारा नहीं, बंदी बनाकर रखा, ऐसा क्यों? सर, मारता तो सिर्फ बदला पूरा होता, मेरी और उमा की कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती। बताना चाहता था मैं कि जात बिरादरी का जहर किस तरह जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है,
अभी तुम्हें जवानी के जोश में लग रहा होगा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, पर जब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों में गुजरेगी ना, तब तुम पल पल उस वक्त को पछताओगे जब तुमने ये गलत कदम उठाया। मुरली इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। करण अब अपने पिता के साथ है और अपनी माँ की मौत के गम से उभरने की कोशिश कर रहा है। मुरली के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। मुरली के पिता को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी जो उन्होंने किया ही नहीं था। सब इंस्पेक्टर गुलाटी और मैजिस्ट्रेट सोनालिका ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और एक बेकसूर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी। जज आनंद कुमार की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो फैसला सुनाया वो पेश किए गए सबूत और गवाहों के बिना पर सुनाया था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की, उनमें बदलाव लाने की जरूरत है और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि कमजोर और सताए हुए लोगों के लिए अदालत ही वही आखिरी सहारा है जहाँ वो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। जरूरी है कि ये विश्वास ना सिर्फ बना रहे बल्कि और मजबूत हो। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.